अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साहिल शेख। मैं आज आपको बताऊंगा क्या वेब डिज़ाइन क्या होती है, वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है। तो दोस्तों देखिए, आप पहले आप इंटरनेट ऑन कर लीजिए, गूगल में आ जाइए आप। मैं आपको कुछ बता दूँ, देखो यहाँ पे आपको सर्च करना है W3 स्कूल, W3 स्कूल, ये आपको इस पे सर्च करना है। ये W3 स्कूल क्या है? ये W3 स्कूल दोस्तों, ये वेबसाइट जब हम बनाते हैं, ये वेबसाइट की पूरी कोडिंग इसमें दी गई है। बूटस्ट्रैप, जावा स्क्रिप्ट और हर चीज़ इसमें दी गई है। आप देखेंगे जो जेक्वेरी, HTML, ये मोबाइल जेक्वेरी पूरा इसमें बताया, PHP वगैरह सब इसमें पूरा A to Z इसमें दिया गया है। आपको इधर सब मिलेगा आपको। तो देखो दोस्तों, PHP एग्जांपल सब इसमें मिलेगा दोस्तों, हर चीज़। तो मैं आपको पूरी वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं आज फर्स्ट लेक्चर जो है, मैं HTML एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जिस तरह से हम कंप्यूटर क्लास वगैरह में जाके सीखते हैं, उसी तरह से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं उस तरह से स्टार्ट करने के लिए मैं आपको पहले बताऊंगा दोस्तों, क्या पहले आप अपने कंप्यूटर में आइए। कंप्यूटर में आने के बाद आप नॉर्मली नोटपैड ओपन कर लीजिए। नोटपैड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको पहले बता दूँ। ये नोटपैड ओपन करने के बाद साधन और नोटपैड ऑन कीजिए। अगर इस पर जैसे नया नया अपडेट आते रहेगा, मैं अपडेट आपको नोटपैड प्लस या CSS जो भी इसकी जो फाइल होते हैं ड्राइव में, वर उसको आपको इंस्टॉल करके पूरा बताऊंगा। पहले आप बेसिक के लिए नोटपैड ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको टाइप करना है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका पूरा फुल फॉर्म है दोस्तों। HTML पे आने के बाद यहाँ पे आपको हेड क्लिक करना है। हेड क्या होता है दोस्तों? हेड ये होता है, देखो बता दूँ मैं। हेड जैसा कि मैं अगर ट्राई योर सेल्फ इस पर आता हूँ, ये इसे कहते हैं, ये जो एकदम कैपिटल में और बोल्ड में, इसमें लिख कैपिटल और बोल्ड में एकदम लिख कर आया है दोस्तों। तो इसे हेडिंग बोलते हैं। ये फर्स्ट वन जो होता है ना, इसे हेडिंग होते हैं, इसे हेडिंग बोलते हैं। इस तरह 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 से सॉरी इस तरह से हेडिंग बोला जाता है। और ये सब जो जितने भी नीचे आएंगे नॉर्मली एकदम लाइन से लगे रहेंगे, उसको पैराग्राफ बोला जाता है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे, तो ये हेड हो गया। हेड के बाद आपको टाइटल लेना है। टाइटल में आपको नाम देना है, जैसा कुछ भी, ये फर्स्ट HTML लेक्चर नाम दे देते हैं। जैसा कि फर्स्ट HTML नाम दे दिया। टाइटल ओपन करने के बाद टाइटल क्लोज होना ज़रूरी है। HTML के बाद हेड लेना है, क्योंकि हेड में मतलब ये अपना टाइटल आना चाहिए। फिर इसे हेड को भी क्लोज कर देना है। हेड को भी इसी तरह से क्लोज करना है। ये जो शाइन है, तो इस शाइन को अपन को डालना होगा क्लोज के लिए। इस पे आने के बाद हमको इंटर क्लिक करना है। आपको बॉडी ऑन करना है। बॉडी ऑन करने के बाद, बॉडी क्या होती है दोस्तों? देखो बॉडी ये होती है दोस्तों, जिस तरह से आप मान लीजिए ये जो बीच में हुआ है, ये समझो हेड हो गया। देखो ये एग्जांपल सीन एवरी चैप्टर, ये हेड हो गया और ये पैराग्राफ हो गया। और एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये पूरा बॉडी हो गया। तो बॉडी बोला जाता है, तो बॉडी के अंदर जो लिखा जाता है, बॉडी के अंदर ही हेडिंग लिखा जाता है। तो बॉडी को हम यूज़ करना पड़ता है, पर उसका वो हमको टैग देना पड़ता है। जैसा कि अभी बॉडी के अंदर मैं पहले H1 ले लेता हूँ। हेडिंग 1, H1 का मतलब हेडिंग 1। ये हेडिंग 1 में मैं लिखता हूँ दोस्तों, दोस्तों कैपिटल में लिखना चाहूँगा, दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर। अब इसे मैं लिख लेता हूँ और मैं इसको इसे मैं सिर्फ स्पेस मार के क्लोज करूँगा, या जिस तरह से भी क्लोज करूँगा। हाँ तो ये हो गया। फिर इस पर हो जाइए। इस पर आने के बाद आपको हेडिंग 1 पे आपको क्लिक करने के बाद ये इस तरह से आपको H1 हेडिंग 1 क्लोज कर देना है। अब मैं एक एग्जांपल के लिए मैं एक इस पर बता दूँ कि आप जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बॉडी क्लोज कर देता हूँ। अब बॉडी में क्लोज कर दिया। बॉडी क्लोज करने के बाद HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्लोज करना कंपलसरी है। इसलिए कंपलसरी है, अगर क्योंकि ये इसका एक फॉर्मेट है और फॉर्मेट से आप चलेंगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे आप HTML पे आ जाइए। HTML क्लोज कर लीजिए। अब इस फाइल को आपको सेव करना हो, Ctrl+S कंप्यूटर से सेलेक्ट कीजिए, या तो आप नोटपैड आता ही रहेगा बेसिकली। सेव एस पे क्लिक कीजिए। आप सेव एस पे क्लिक करने के बाद आपको
जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है डायमंड स्टडी, उसमें मैं जाके सेव करूँगा। सेव करने का भी फॉर्मेट देख लीजिए किस तरह से। तो ये मेरा फर्स्ट HTML मैं डालूँगा, और यहाँ पे मैं डॉट दूंगा दोस्तों, डॉट बिना स्पेस के मैं डॉट दूंगा, डॉट HTML। HTML एक फॉर्मेट है, आइकन बन के आना चाहिए। अगर मैं टेक्स रखूँगा तो टेक्स का आइकन बन के आएगा, अगर मैं HTML रखूँगा तो गूगल इंटरनेट किसी का ये आइकन बन के आएगा। तो इस तरह से मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं फाइल में जाकर उसे देखूँगा तो देखो दोस्तों HTML, तो दोस्तों ये देख लीजिए ये आइकन इस तरह से बन के आया है। अगर मैं डायरेक्टली सेव कर देता टेक्स्ट में तो इस तरह का टेक्स्ट बन के आया होता। अगर मैं इसमें सेव किया हूँ तो इस पर मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद देखिए दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर, तो ये इस तरह का हेडिंग इसका बन के आ गया है। और दूसरा मैं इसमें बता दूँ आपको, ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद अगर हमको बॉडी में पैराग्राफ ऐड करना है तो पैराग्राफ का टैग PA पैराग्राफ पे आ जाइए। आने के बाद सेम इसी यही चीज़ को आप कॉपी कर लीजिए, या आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। आप इसे देखो दोस्तों, फिर इस तरह से हमको P टैग को क्लोज कर देना है। आप इस पर Ctrl+S भी क्लिक कर सकते हैं आप, या तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे आके सेव पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने नोटपैड का बेसिकली पूरा यूट्यूब पे सिखा के अपलोड किया है, मेरा है वहाँ पे वीडियो डायमंड स्टडी पे। तो दोस्तों मैं इसको सेव कर दिया हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं इस पर आके मैं भी रन करूँगा इस पर, या यहाँ से रिलोड करूँगा, या तो फिर मैं गूगल इंटरनेट एक्सप्लोर वगैरह पे रिफ्रेश करूँगा, तो मैं इसको रिलोड करना होगा। तो देखो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर लिख के आ गया, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ, ऐड करके मैंने सेव करके और यहाँ पे रिलोड कर दिया हुआ, क्योंकि वो आ गया। तो हेडिंग और पैराग्राफ इस तरह का होता है, ये HTML का फर्स्ट लेक्चर बेसिक है। तो दोस्तों इसी तरह से किया जाता है। अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।